हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करेंगे और ये थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम लोग कवर करेंगे हेसेस लॉ रिलेटेड टू योर इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। इससे पहले के लेक्चर को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पूरा कंप्लीट करो, क्योंकि वहाँ मैंने इंथैल्पी को ओवरऑल कवर किया है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हेसेस लॉ। हेसेस लॉ क्या करता है? हेसेस लॉ किसी भी वन स्टेप और मैनी स्टेप रिएक्शन में इंथैल्पी का क्या रिलेशन होता है इसको बताता है। साधारण भाषा में अगर कहे सो हेसेस लॉ इज अबाउट द समेशन ऑफ द हीट, और बेटर टू से कॉन्स्टेंट समेशन ऑफ द हीट। लेट मी क्लियर दिस। सपोज सपोज एक रिएक्शन जो है वो ऐसे हुआ, ए से डी बन गया, ठीक है, और इस वक्त जितना हीट निकला वो है डेल्टा एच, ठीक है। सपोज करो इसका वैल्यू है -500 किलो जूल, सपोज, ठीक है। ये रिएक्शन ऐसे हो सकता था, किसी ने बोला नहीं मैं इस रिएक्शन को ऐसे नहीं करूंगा, मैं इसे स्टेप बाय स्टेप करना चाहता, ठीक है। ये पहला केस था, किसी ने इसको डायरेक्ट किया। कोई है जो इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप पॉसिबल है, उसने उसको वैसे किया। उसने क्या किया, सबसे पहले ए से बी बनाया, उस वक्त एक इंथैल्पी निकला डेल्टा एच वन, फिर बी से उसने क्या किया, बी बना हुआ था, बी से सी बनाया, इसमें जो इंथैल्पी निकला वो होगा सपोज करो डेल्टा एच टू, फिर सी से उसने क्या किया, डी बनाया, और इस वक्त जो इंथैल्पी निकला दैट इज योर डेल्टा एच थ्री। और इस तरीके से उसने ए से डी बनाया है ऑब्वियसली। तो अगर हम लोग अगर यहाँ ऐड करें तो क्या ऐड होगा, देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो कॉमन पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। सो ओवरऑल हमारा यहाँ भी ए से डी ही बन रहा है ना, और हम जानते हैं जब हम रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उसका इंथैल्पीज भी ऐड हो जाता है। सो इंथैल्पीज अगर ऐड हो जाएगा सो टोटल इंथैल्पी जो हो रहा वो होगा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री, एंड दिस ओवरऑल समेशन ऑफ दिस इंथैल्पी शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस डेल्टा एच, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग तो ए से डी ही बना रहे हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। यही ये जो बात मैंने कही यही है हेसेस लॉ। सो हेसेस लॉ क्या कहता है कि द टोटल इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन रिमेन सेम वेदर इट टेक प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप। किसी भी रिएक्शन के लिए उसका चेंज इन एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर आप वो रिएक्शन एक स्टेप में करो या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेप में करो, उसमें जितना एंथैल्पी की ज़रूरत है उतना ही या तो इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब होगा। इज इट ओके? आई होप हेसेस लॉ समझ में आया आपको, ठीक है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको ये और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपको ये पता है, प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने ये वैल्यू देखा था दैट कार्बन डाइऑक्साइड कैन फॉर्म फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन बाई दिस रिएक्शन एंड द वैल्यू इज दिस मच। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी फॉर्म फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन बाई टू स्टेप रिएक्शन ऑल्सो, जिसमें कार्बन हाफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। उस वक्त ये वैल्यू प्रैक्टिकली देखा गया इतना आता है 110.5, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है विथ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस -283 किलो जूल पर मोल। सो इन दोनों को अगर आप सम करके देखते हो तो सम करके सेम वैल्यू आ जाता है। तो प्रैक्टिकली ये प्रूव हो गया दैट हेसेस लॉ इज करेक्ट। ओके, अच्छा अब इसको यूज करके हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, इसे यूज करके हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। देखो एक बात मैं क्लियर बता दूं कि अगर हेसेस लॉ आपको मेंशन किया हो क्वेश्चन में कि फॉर्म फ्रॉम हेसेस लॉ, तभी जाके आप हेसेस लॉ को अप्लाई करें। अदरवाइज हमारा जो मदर इक्वेशन था ना इंथैल्पी का, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको मैं हेसेस लॉ से करके बताऊंगा और नॉर्मली करके बताऊंगा। देखोगे आप नॉर्मली बहुत आसानी से बन जाता है, हेसेस लॉ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए क्या करता है एग्जाम में आपको परेशान करने के लिए मेंशन कर देता है क्वेश्चन में कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय हेसेस लॉ। इज इट ओके?
चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारा, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज गिवन, हाउ मच, दिस मच। सो एंथैल्पी ऑफ मीथेन कैसे लिखेंगे हम लोग, रिएक्शन, रिएक्शन लिखना आपको खुद सीखना होगा। सो सी एच फोर वन मोल ले लो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करो, सी ओ टू एन एच टू ओ, ये वैल्यू दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मीन्स नथिंग बट कार्बन, सो सेकेंड इक्वेशन में कार्बन सॉलिड है, इसका कंबशन दिया हुआ है, एंड डाई हाइड्रोजन एंड एच टू का कंबशन दिया हुआ है, ये बन गया मेरा। इन तीनों डाटा को यूज करके हमें बोल रहा है फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ योर मीथेन। तो इस क्वेश्चन को हेसेस लॉ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आप सिंपली सिंपली फॉर्मूला से बनाओ तो कितना आसान हो जाएगा, देखो कैसे। ध्यान से अगर देखो तो हमें पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर, और सी एच फोर कहाँ दिख रहा है आपको, कौन से इक्वेशन में दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है मुझे। इज इट ओके, इस रिएक्शन में मुझे दिख रहा है, तो इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आप लिख सकते हो, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड में हमारा है सी ओ टू एच टू ओ एंड रिएक्टेंट साइड में है सी एच फोर एंड ओ टू, इज इट ओके। सो मैं यही कर दे रहा हूँ आपको, फिर मैं इरेज कर दूंगा। तो प्रोडक्ट साइड में आप लिख सकते हो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू प्लस ट्वाइस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ टू है इसलिए मैंने टू बिठाया, एंड माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के केस में है सी एच फोर, एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन लिखने की ज़रूरत है क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एलिमेंट इज जीरो, ऑक्सीजन एक प्योर एलिमेंट है, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इज इट ओके। और इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखो आपको क्वेश्चन में दे दिया है माइनस 890.3, सो ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू है माइनस 890.3। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने ही एलिमेंट से बन रहा है एग्जैक्टली वन मोल, तो ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन शुड बी इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यस और नो। तो आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह बैठा दोगे माइनस 393.5 पुट करो, एंड वाटर देखो सेकेंड जो थर्ड इक्वेशन है ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ही तो है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन बोलो या फिर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए कंबशन कंबशन बोल रहा है, एक्चुअली ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ही तो है, क्योंकि वन मोल ऑफ वाटर कैन बी फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट हेयर। सो ये जो सेकेंड हमारा वैल्यू दिया है उसको आप यहाँ पुट कर दोगे वाटर की जगह, तो आपका इक्वेशन क्या आ गया माइनस 890.3, सी ओ टू के जगह आपने बिठा दिया माइनस 393.5, मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ, प्लस ट्वाइस वाटर के लिए आपने बिठा दिया 285.8, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर ही तो पूछा है हमसे क्वेश्चन में, सो आप इसका साइड चेंज करो और आंसर निकाल लो, यू गेट योर आंसर। कितना आसान हो गया, अगर यहाँ आपको मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं इसको फ्रेशली करके बता सकता हूँ, अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे प्लीज़ मैसेज करना, मुझे बताना कि ये समझ में नहीं आया, मैंने बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से बताने की कोशिश की, जानबूझ के यहाँ बताया कि आप कंफ्यूज ना हो। इसको एग्ज़ाम में अगर करोगे तो आपको क्या करना होगा, ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको ऐसे वापस। फिर इसको बैलेंस कर दो आप, ठीक है, फिर आपको इसको लिखना होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, वाटर के सामने टू था, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन जीरो होगा बिकॉज इट इज अ प्योर एलिमेंट, इसको मेंशन कर देना आप, ठीक
है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू जीरो, और सारे वैल्यूज यहाँ दिए हुए थे, जस्ट इसको सब्सटीट्यूट कर देना है फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड एंड यू विल गेट योर आंसर. सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर मदर इक्वेशन ऑफ इंथैल्पी. बट द ट्विस्ट इज इफ इन एग्जामिनेशन इट इज गिवन दैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग हेसेस लॉ, नाउ दिस इज अ ट्विस्ट एंड टर्न. ओके, अब यहां पर यह क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा. सो अगर इसी प्रॉब्लम को हम लोग करें हेसेस लॉ से, तो इसको कैसे करते हैं ध्यान से सुनो. सबसे पहले जो भी हमारा गिवन था इक्वेशन, इसको लिख लो आप, ये सबसे पहला काम करो, यहाँ तक कर लो, ये दोनों में हमें करना है. नेक्स्ट जो है वो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाओ. एक इक्वेशन मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है. रिक्वायर्ड इक्वेशन का मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है हमसे, हमसे पूछा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4. सो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 मतलब CH4 बन रहा है फ्रॉम इट्स एलिमेंट. इसका एलिमेंट क्या है? इसका एलिमेंट है कार्बन, और इसका एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन. ठीक है, तो एक मोल CH4 मैंने बना लिया. इस वक्त जो इंथैल्पी होगा यही होगा मेरा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो ये मेरा है रिक्वायर्ड इक्वेशन, बस इसको दिमाग में रखो. अब सेकेंड चीज जो हमें करनी है, अगर आप इतना सा कर ले तो आप 50% क्वेश्चन को आपने बना लिया है, सॉल्व कर लिया है. अगर आपने इक्वेशन लिख लिया और रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है ये समझ गए, तो आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. देखो अब आपको करना क्या है, इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाना है. कैसे? ध्यान से सुनो, ध्यान से पहले सुनो. यहां पर आप देख रहे हो कि राइट हैंड साइड में CH4 है ना, दिस CH4 इज ऑन राइट हैंड साइड. और यहां पर आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में देख रहे हो कि CH4 लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये काम नहीं चलने वाला. तो आप क्या करो कि पहले वाले इक्वेशन को आप रिवर्स कर दो. देखो यहाँ पर मैंने किया है. सो ऐसे आप लिखोगे वी हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस मच. यहाँ तक हमने ऑलरेडी कर लिया है. मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन को रिवर्स कर दिया. देखो एग्जैक्टली रिवर्स कर दिया, ये रिएक्टेंट साइड में था अब ये प्रोडक्ट में है, और ये प्रोडक्ट साइड में था ये रिएक्टेंट में है. तो रिवर्स इक्वेशन नंबर वन. जैसे ही आप इसको रिवर्स करोगे इंथैल्पी का साइन चेंज हो जाएगा. इंथैल्पी जो नेगेटिव था, इंथैल्पी जो यहां नेगेटिव था माइनस था, दैट इंथैल्पी विल बिकम पॉजिटिव. ओके, इंथैल्पी का साइन चेंज होता है अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कर देते हो तो. चलो एक चीज मुझे समझ में आया कि मेरा CH4 राइट हैंड साइड में है, इसीलिए मैंने इसको रिवर्स किया था. ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में है मेरा कार्बन सॉलिड, और सेकेंड वाले में भी लेफ्ट हैंड साइड में है कार्बन सॉलिड, तो इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. और यहां मुझे दिख रहा है कि हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड में, यहां भी हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसे भी मुझे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहां पे 2 मोल ऑफ H2 है और यहां पे 1 मोल ऑफ H2 है. इसका मतलब मुझे थर्ड वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना होगा और फिर इन तीनों को ऐड कर देना होगा. ध्यान से देखो, यही तो हमने किया है. सेकेंड वाले इक्वेशन को कुछ नहीं किया, ये जैसा था वैसे ही रखा, इसको ऐड कर दिया सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ, और थर्ड वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सिर्फ देखो क्वेश्चन में H2 था, अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया. यहाँ हाफ O2 था तो ये 1 हो गया, यहाँ 1H2O था तो ये 2 हो गया. और जो रिक्वायर्ड मेरा इंथैल्पी था, इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो इंथैल्पी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा. So when we multiply, it also multiply. Now add them. Now add all these 3 reaction. So जब आप इन तीनों को add कर रहे हो, तो add करते हो देखो left hand right hand side में कुछ cancel out हो रहा है. जैसे यहाँ CO2 है, यहाँ भी CO2 है, cancel out हो जाएगा. यहाँ 2H2O है, यहाँ भी 2H2O है, ये cancel out हो जाएगा. और ये देखो oxygen plus oxygen, twice oxygen, और यहाँ twice oxygen, this is cancel out.
रिमेनिंग क्या बच रहा है देखो, कार्बन सॉलिड ट्वाइस H2 और इस साइड में CH4, दिस इज नथिंग बट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन। और हेसिस लॉ क्या बोलता है, आप रिएक्शन को जोड़ो तोड़ो फाइनल आंसर सेम आएगा। तो अब अल्टीमेटली हमने इनको तीनों को जोड़ा है, तो ये जो वैल्यूज हैं इनको ऐड कर दो। इसको ऐड करके हमने देखा आया -74.8 किलो जूल पर मोल। सो और ये रिएक्शन मुझे क्या दिख रहा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। सो दिस इज नथिंग बट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। सो दिस इज हाउ वी डू द इक्वेशन रिलेटेड टू हेसिस लॉ। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी वाइल सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम योर NCERT क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम हेसिस लॉ, सो ट्राई बाई योर सेल्फ। ओके, आई गिव यू दिस स्लाइड्स। ओके देन, दिस इज ऑल अबाउट योर इंथैल्पीज एंड ऑल दिस। इंथैल्पी खत्म। नेक्स्ट इज आर इंट्रॉपी। इंट्रॉपी पढ़ने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें, पहला स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है। सीधा साधा भाषा में बोला जाए, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद, जो अपने आप हो, जिसको करने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत ना हो, दैट इज कॉल्ड योर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इज इट ओके? जैसे कि अगर आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में सोचो, जैसे कि अगर आप या सपोज करो ये कंटेनर है जो ऐसा दिख रहा है और इसमें हम लोग वाटर को फ्लो करा रहे हैं, वाटर इसके अंदर सपोज आपने भर दिया यहां से यहां तक, पूरा पूरा इसके अंदर वाटर था। ऑल ऑफ अ सडन अगर यहाँ पे एक छोटा सा होल हो जाए तो इसके अंदर से वाटर अपने आप निकलना पड़ेगा या आपको यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा वाटर को बाहर निकालने के लिए? ऑब्वियसली वाटर विल कम आउट फ्रॉम दिस पोर ऑटोमेटिकली, अगर यहाँ पे पोर है तो। सिमिलरली अगर दो गैस मिक्सचर है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे आपने एक कार्डबोर्ड लगा के इसको ढक दिया है दो बीकर को, यहाँ पे आपने एक रेड गैस लिया है और यहाँ पे आपने एक वाइट गैस लिया है, ठीक है। जैसे ही आप कार्डबोर्ड हटाओगे ये रेड गैसेस एंड वाइट गैसेस आपस में खुद ब खुद मिक्स हो जाएंगे बाय द मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने पढ़ा है, आपको भी पता होगा डिफ्यूजन क्या है, 19 में पढ़ा होगा। सो बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन द कलर ऑफ द गैसेज आर डिफ्यूज टू ईच अदर। आप रूम में कहीं पर एक जगह स्प्रे करते हो परफ्यूम और दूसरे कॉर्नर पे जो इंसान बैठा रहता है उसे भी स्मेल आ जाता है, उसके पास आप स्मेल को भेजने के लिए एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करते हो, इट हैपन ऑटोमेटिकली। सो दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जिसको करने के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़े। जैसे अगर आपको बोला जाए कि पानी को और एक ब्लॉक है इसको, ये एक रोल बॉल है, इसको अपने आप क्या ये ऊपर चला जाएगा? नो। लेकिन अगर ऊपर है और इसको हल्का सा एनर्जी अगर थोड़ा सा भी लुढ़का तो ये अपने आप नीचे जरूर चलाएगा। यस, ओके। सो नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब नीचे से कोई चीज को ऊपर ले जा रहे हैं हम लोग, ऐसा कंडीशन, ठीक है। माचिस की तीली आप रखो यहां पर, सारा दिन रख लो, इसमें आग लगेगा? नहीं लगेगा, आपको इनिशिएट करना पड़ता है इसमें आग लगाने के लिए। सो एनी सच रिएक्शंस, एनी सच प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस, वेयर एन एक्स्ट्रा एजेंट इज रिक्वायर्ड और एक्स्ट्रा फोर्स और एक्स्ट्रा योर एक्शन इज रिक्वायर्ड टू डू इट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। एक सीधा साधा तुम्हारे क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लो। तुम्हारे क्लास में जब टीचर्स रहते हैं तो तुम लोग कितने अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पर बैठे हुए हो, और जैसे ही टीचर क्लास से बाहर गए एंड देन ये तुम्हारा हालत होता है। ओके, तो ये जो यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज हो रहा है ये अपने आप होता है, तुम्हारे अंदर का एक रैंडमनेस है जिसको आप लोग संभाल नहीं पा रहे। सो स्पॉन्टेनिटी इज रिलेटेड टू रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगा, ध्यान से सुनो, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगा
जब आप उसका रैंडमनेस के बढ़ने के डिरेक्शन में आप जा रहे हो। अब ये रैंडमनेस क्या है? रैंडमनेस वर्ड का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस और जिगजैग नेचर। जिगजैग मतलब कोई ऑर्डर नहीं, नो ऑर्डर। जब भी कोई चीज नो ऑर्डर की तरफ जाओगे देखोगे बड़ा बहुत आसान होता है ये जाना, है ना। क्लासरूम में ऐसे बैठे रहना आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन टीचर के जाते ही इधर उधर दौड़ना कूदना फांदना ये बहुत आसान लगता है। तो ये ऑर्डर्ड में हो तुम लोग और यहां पे नो ऑर्डर। तो यहां पर रैंडमनेस जो है कम है और यहां पर रैंडमनेस जो है हाई है। सो द प्रोसेस विल ऑलवेज ग्रो फ्रॉम लो रैंडमनेस टू हाई रैंडमनेस कंडीशन। दिस इज द नेचर, दिस इज द नेचर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया का ये नेचर है, ऐसे नहीं तुम लोगों के बारे में बता रहा हूं, ये दुनिया का नेचर है। जैसे यहां प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहे, सपोज करो ये ब्लू कलर का गैस है जिसके पार्टिकल्स ब्लू हैं और ये एक रेड कलर का गैस है। जैसे ही आप इसके बीच का जो कार्डबोर्ड है जो इसको सेपरेट किया है, आप इसको जैसे ही रिमूव करोगे ये गैसेस आपस में मिक्स हो जाएंगे। ये चाहता तो ये रेड गैस अपने पास ही यहीं रह सकता था, ब्लू यहीं रह सकता था, इनको क्या जरूरत थी आपस में मिलने की। वजह यह है कि यहाँ पे आप इसको कॉन्फाइन करके रख रहे हो, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो इतने से एरिया में ही ट्रेवल कर पा रहा है बाई जिगजैग पाथ। लेकिन जैसे ही आपने कार्डबोर्ड हटा दिया इसका रैंडमनेस बढ़ गया और ये पूरे पाथ में ट्रेवल कर पाएगा। दैट इज वाई इट मूव ऑल अराउंड द कॉर्नर्स। सो रैंडमनेस अगर मैं बोलू यहां पे कम है और यहां पे मोर है। इज इट ओके? व्हाट इज रैंडमनेस एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन? ओके देन। सो याद रखना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहां पे आता है and I didn't mention it, I'll mention it after the entropy, okay? So entropy क्या है? Entropy का मतलब होता है degree of measure of randomness or disorderness। ये जो randomness की बात हम लोग कर रहे थे, इस randomness को मापना भी तो जरूरी है कि किस system में randomness ज़्यादा है किस में कम है, ये हमें visualize हो जाता है। Yes, अभी जैसे हमने दो example देखा, we would easily visualize it, but how to measure it? The degree of randomness, how to measure it? We measure it by means of entropy. ठीक है, so entropy is nothing but measure of degree of randomness or disorderness or zigzagness of a system. Remember, it is also a state function and it is also extensive property, just like your internal energy and enthalpy. Enthalpy, internal energy, entropy, तीनों state function है और extensive property. दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या कहता है? ये कहता है दैट इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज टेंड्स टू इंक्रीज एंड रीच टू मैक्सिमम। रिपीट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? द रैंडमनेस of a system always tends to increase and reach to maximum. इसका मतलब क्या है? इसको एक सिंपल सी भाषा में हम लोग समझते हैं, फिर मैं मैथमेटिक्स में आता हूँ यहाँ का। सपोज करो ये तुम हो और मैंने कहा है कि अपने सर के ऊपर एक टोकरी ले लो, ठीक है, ऑफ 20 kg, और खड़े रहो सारे दिन। सारा दिन खड़े रह पाओगे? कितने देर खड़े रह पाओगे ऐसे? अगर मैं ऐसे खड़े रहने बोलूँ कितने देर खड़े रह पाओगे? मैक्सिमम 1 आवर और 2 आवर। ये केस हुआ, सपोज करो दिस इज फर्स्ट केस। अच्छा, मैंने एक दूसरे स्टूडेंट को पनिशमेंट दिया कि एक काम करो तुम सिर्फ खड़े रहो
यही पनिशमेंट है, तुम खड़े रहोगे आज सारा दिन, ठीक है। और सपोज करो ये तुम्हें, ये सेकेंड केस है, तो आप कितने देर तक खड़े रह सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 hours विदाउट एनी वेट ऑन योर हेड। अच्छा मैं एक स्टूडेंट को मैंने अब पनिशमेंट दिया, तुमको ही सपोज करो कि बैठ के रहो, इन अ चेयर, सपोज दिस इज अ चेयर, और तुमको बैठे रहना है सारा दिन। दिस इज द थर्ड केस, इसमें आप कितना देर रह सकते हो? 8 to 10 hours बैठे रहो, ओके। एंड द लास्ट केस, मैंने किसी को पनिशमेंट दिया कि आप सोए रहो सारा दिन, ओके, कीप इन अ स्लीपी पोजिशन। सो आप बोलोगे अच्छा ठीक है, मैं 24 आवर्स तक सोता ही रहूँगा, अच्छा बात है मेरे लिए, ये कोई पनिशमेंट हुआ, ये तो हमारे लिए मौज हो गई। सो देखो ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से अगर सोचो कि अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि तुम थोड़ा वेट लेके एनर्जी अपना खर्च करते रहो और खड़े रहो, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहता। वो क्या करेगा, अपना वेट नीचे उतार के खड़ा रह के कुछ देर रह पाएगा, उसके बाद नहीं रह पाएगा तो बैठ के रह सकता है, और उसके बाद नहीं रहेगा तो सो के रह सकता है। द रीजन इज वी ट्राई टू इंक्रीज आवर एंट्रोपी, वी ट्राई टू इंक्रीज आवर रैंडमनेस। यहाँ हम लोग ज़्यादा ऑर्डर्ड में हैं, यहाँ मैंने अपना रैंडमनेस थोड़ा बढ़ाया। रैंडमनेस को हम लोग इंट्रॉपी से मापते हैं, इंट्रॉपी इज एस। तो ये अगर ये SA कंडीशन है, दिस इज विल बी SB, दिस विल बी SC एंड दिस विल बी ST, देन ऑब्वियसली ST विल बी ग्रेटर देन SC, विल बी ग्रेटर देन SB, विल बी ग्रेटर देन SA। सो इन दिस सिस्टम द इंट्रॉपी और द रैंडमनेस ऑफ अ प्रोसेस इज ऑलवेज टेंस टू इंक्रीज एंड रीच टू द मैक्सिमम वैल्यू, ओके। जैसे मैंने एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल बताया, ऐसे ही रियल लाइफ में केमिकल इक्वेशंस में भी होते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में भी होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप सपोज करो कि एक हिल से एक बॉल यहाँ रखा हुआ है, अगर आप इसको नीचे आने दोगे तो ये नीचे कहाँ तक आएगा, एनर्जी लॉस करते करते ये बॉल फाइनली यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये ए से बी हुआ। द रीजन इस डायरेक्शन में इसका रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन सोचो अगर यहां से वापस ये टूट के फिर से नीचे हो गया, तो फिर ये बी से सी में आने का कोशिश करेगा, क्योंकि यहां फिर से इसका रैंडमनेस बढ़ रहा है। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू दैट व्हाई वी कॉल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एज लॉ ऑफ एंट्रोपी, एंड एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज टेंस टू इंक्रीज एंड रिच टू मैक्सिमम। नाउ इन केमिकल रिएक्शन एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस चेंज इन एंट्रोपी। ऑब्वियसली हम लोग जब इनथैल्पी को फाइनाइट वैल्यू नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट वैल्यू, तो एंट्रोपी का भी नहीं निकाल पाएंगे। चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन डिवाइडेड बाई डेल्टी, दैट इज टेम्परेचर, ओके। एंड इन रिएक्शन वट वी कॉल हीट इज रिप्रेजेंटेड बाई इनथैल्पी, ओके। एंड सिस्टम का एंट्रोपी और सराउंडिंग का एंट्रोपी जोड़ दो तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। एंट्रोपी कभी नेगेटिव नहीं आता सिस्टम प्लस सराउंडिंग का मिला के, इंडिविजुअल सिस्टम या सराउंडिंग का नेगेटिव हो सकता है, बट ओवरऑल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जो कि मैंने यहाँ कहा, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज टेंस टू इंक्रीज एंड रीच टू मैक्सिमम, ओके। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है यहाँ से, इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि किन किन, यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, किस में आपका रैंडमनेस या फिर एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। पहला बोल रहा है अ लिक्विड इज क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड। सपोज करो कोई एक चीज़ लिक्विड था और मैंने उसको क्रिस्टलाइज करके सॉलिड बना दिया, तो मैं इस चीज़ का रैंडमनेस बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ? लिक्विड तो इधर उधर फ्लो हो जा रहा था, सॉलिड तो फ्लो नहीं हो पाएगा, तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर बढ़ा दिया इसका, या फिर मैं बोल सकता हूँ रैंडमनेस जो है उसको मैंने घटा दिया। और अगर रैंडमनेस घटेगा तो एंट्रोपी घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि रैंडमनेस को ही तो एंट्रोपी मापता है। तो इसका मतलब फर्स्ट केस में मेरा एंट्रोपी जो है डिक्रीज करेगा, ओके। सेकेंड केस देखो, टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0K टू
115 के। सेकेंड में बोल रहा है एक क्रिस्टल है मेरा सॉलिड और मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। आप जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो इसका मतलब आप इसके एटम्स को हीट प्रोवाइड कर रहे हो, जिसके वजह से एटम्स में एनर्जी ऐड हो रहा है, जिससे वो वाइब्रेट करना चाहेंगे, वहां से फ्री होने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली आप इसमें रैंडमनेस बढ़ा रहे हो। तो इस केस में एंट्रोपी इंक्रीज होगा, फर्स्ट केस में एंट्रोपी डिक्रीज हुआ। थर्ड केस देखो, यहां पर हमारा ये सॉलिड है और राइट हैंड में एक सॉलिड है और दो गैस है। तो अल्टीमेटली आपने सॉलिड से कुछ गैस बनाया, तो यहां भी रैंडमनेस जो है इंक्रीज होगा, देयरफॉर एंट्रोपी इंक्रीज होगा। लास्ट केस देखो, यहां पर एक चीज मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और राइट हैंड साइड में एटम में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। सो मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ के मैंने एटम में कन्वर्ट किया है, इसका मतलब रैंडमनेस बढ़ा या घटा? रैंडमनेस बढ़ेगा और एंट्रोपी भी बढ़ेगा। आई होप समझ में आया होगा अब एंट्रोपी क्या होता है एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये क्वेश्चन है, ये ऐसे होमवर्क आपके लिए है, इसको सॉल्व करके मुझे बताना। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, सिंपल सा क्वेश्चन, अभी ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज योर गिब्स फ्री एनर्जी। सो द लास्ट टॉपिक इज गिब्स फ्री एनर्जी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर डेल्टा जी। नाउ अभी तक हमने दो जो टॉपिक पढ़े दैट इज एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, अगर आपको याद है तो मैं फिर से एक बार कह दूं, एंथैल्पी का मतलब था हमारा हीट कंटेंट ऑफ द बॉडी। ओके, हीट कंटेंट इन अ रिएक्शन। एंड डेल्टा एस का मतलब था रैंडमनेस और मेजर ऑफ रैंडमनेस। ये दोनों अलग अलग तरीके से हमें कभी भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन नहीं बता पा रहा था। एक हमारा बता रहा था रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, दूसरा हमारा बता रहा था हीट कंटेंट, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। लेकिन कोई भी सिस्टम स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक है, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है और उसमें कितना मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन है, ये एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं मिल रहा था। तो इन दोनों को कॉम्बाइन करके एक तीसरा प्रॉपर्टी बनाया गया दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और इसके नाम में ही आपको दिख रहा है फ्री एनर्जी, इसका मतलब है ये इट इज नथिंग बट एनर्जी एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी यूज टू डू वर्क, और वी कैन सिंपली से इट इज नथिंग बट द मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क डन। मैक्सिमम पॉसिबल यहां एक बात कर देना, यूजफुल। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क डन ऑफ अ सिस्टम। तो किसी सिस्टम का मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन जो होता है उसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। और सीधा साधा बात है, डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क। और ये नेगेटिव साइन क्यों आता है, यू वेरी वेल नो दिस। ओके, तो डेल्टा जी मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, वेयर डेल्टा एच इज एंथैल्पी, डेल्टा एस इज रैंडमनेस और एंट्रोपी, एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द कंडीशन, फाइनल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। यू हैव टू जस्ट चेक डेल्टा जी इज नेगेटिव और नॉट। इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव इट मीन्स दैट द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड इफ डेल्टा जी इज जीरो मीन्स रिएक्शन इज अंडर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के और जी के बीच में रिलेशन होता है 2.303 आरटी लॉग 10 के। ये रिलेशन पूछता है कभी कभार आपसे, या फिर डायरेक्टली इस पर न्यूमेरिकल पूछ देता है, तो आप
रेडी रहना विथ न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे एक है स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन, अगर हम लोग बोले गिब्स फ्री एनर्जी को बाद में सोचो, इनथैल्पी और इंट्रॉपी के बारे में सोचो। तो अगर सपोज करो इनथैल्पी जो है वो चेंज जो है वो पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव बिठाओगे आप, इंट्रॉपी चेंज पॉजिटिव है मतलब डेल्टा एस को आप पॉजिटिव बिठाओगे, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो देखो पहला टर्म जो है डेल्टा जी, पहला टर्म पॉजिटिव है माइनस टी इंटू सेकेंड टर्म भी पॉजिटिव है, तो स्पॉन्टेनियस मतलब नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, डेल्टा जी यहाँ पर नेगेटिव कब आएगा, ये एक पॉजिटिव नंबर है माइनस टी इंटू पॉजिटिव नंबर, दिस शुड बी ओनली पॉसिबल व्हेन टेम्परेचर वैल्यू शुड बी हाई, टी ज़्यादा होगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड टर्म बड़ा आ जाएगा ना, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो दिस विल बी नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, इजेंट इट। सो लुक यही लिखा हुआ है यहाँ पे, येस इफ द टेम्परेचर इज हाई देन दिस इज डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा जी इज नेगेटिव व्हेन व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, इज इट ओके। सेकेंड केस देखो क्या बता रहा है, जब डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है, सो यहाँ डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस टी इंटू पॉजिटिव नंबर। सो देखो पहला टर्म नेगेटिव है, दूसरा टर्म भी एज अ होल नेगेटिव है, सो नेगेटिव माइनस नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, सो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव, देयर फॉर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। थर्ड केस हमारा बोल रहा है डेल्टा एच को तो नेगेटिव लिया, डेल्टा एस को भी नेगेटिव ले लिया, सो हमारा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच की जगह नेगेटिव बिठाओ माइनस टी इंटू डेल्टा एस के जगह पे भी नेगेटिव बैठा, तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ फर्स्ट टर्म नेगेटिव है और सेकेंड टर्म टी इंटू पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, पॉजिटिव हो गया। सो ये आंसर नेगेटिव कब आएगा, आंसर नेगेटिव तब आएगा जब टी का वैल्यू बहुत कम हो, टेम्परेचर आप बहुत कम कर दो तब नेगेटिव प्लस समथिंग इज नेगेटिव होगा, सो दिस विल बी पॉसिबल इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो, इज इट ओके। सो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एट लो टेम्परेचर, एंड द लास्ट वन व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव वाइल डेल्टा एस इज नेगेटिव, सो इन दिस केस डेल्टा जी इज पॉजिटिव माइनस टी इंटू नेगेटिव, सो दिस इज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। सो आई होप ये कंडीशन समझ में आए, इस कंडीशन के बेसिस पे घुमा फिरा के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो आपको कैसे समझना है कि कौन सा पॉजिटिव होगा नेगेटिव आप समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन इसी से है, अ रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस क्यू, देखो प्लस क्यू लिखा है राइट हैंड साइड में, इसका मतलब डेल्टा एच का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, सोच के बताओ मुझे, सोच के बताओ, मैंने आंसर सही लिखा है, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सोच के मुझे बताओ। नो आई एम नॉट राइटिंग करेक्टली, इट इज नेगेटिव, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के बाद आउटपुट में हीट मेरा जनरेट हो रहा है, आउटपुट में हीट जनरेट मतलब एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो रहा है, हमारे पॉकेट से हीट बाहर जा रहा है, दैट इज डेल्टा एच नेगेटिव। ओके इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव इंट्रोपी चेंज, सो हमारा डेल्टा एस जो दिया हुआ है ये पॉजिटिव बोल दिया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा जा रहा है द रिएक्शन विल बी व्हाट, तो आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, डेल्टा एच यहाँ पे क्वेश्चन में नेगेटिव दिया है, ठीक है, और टी इंटू डेल्टा एस पॉजिटिव दिया है, सो नेगेटिव माइनस टी इंटू पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव माइनस टी इंटू पॉजिटिव, सो व्हाट विल बी योर आंसर, यस या वेरी गुड, सो ये ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है ना,
सो देयर फॉर स्पॉन्टेनियस एट एवरी टेम्परेचर. सो इसका क्या होगा, द रिएक्शन विल बी पॉसिबल या स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, पॉसिबल पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर. सो दिस पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, सॉरी दिस वन पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर. सो दिस विल बी योर ऑप्शन. यहाँ से देखो एक और ऐसे ही क्वेश्चन है, फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एच इज गिवेन, डेल्टा एस इज गिवेन, एट वाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस बोलने का मतलब डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, ठीक है, कंसिडर डेल्टा एस शुड बी कॉन्स्टेंट ओवर द टेम्परेचर. तो टी पूछा है हमसे. तो देखो यहाँ पर डेल्टा जी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल एस. तो यहाँ पर टी को सेपरेट किया हमने, टी को अलग करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, दैट इज योर डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी बाई डेल्टा एस. देखो जी का वैल्यू दिया नहीं है, तो इक्विलिब्रियम के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी को जीरो करो और टेम्परेचर जो आएगा इक्विलिब्रियम का उससे इसको बढ़ा देना. रीजन क्या है, देखो यहाँ दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव दिया हुआ है, ये भी पॉजिटिव दिया हुआ है. आपको याद है डेल्टा जी पॉजिटिव माइनस टी इंटू पॉजिटिव. तो ये कंडीशन क्या होता है, वेन टेम्परेचर इज हाई देन डेल्टा जी इज नेगेटिव, ये कंडीशन है ना. तो पहला एक सिंपल सा केस हमने लिया जहाँ पे डेल्टा जी जीरो कब होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बाद देखते हैं जीरो कब होगा. तो डेल्टा जी को जीरो कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, डिवाइड कर दो ये आ गया हमारा 2000 केल्विन. अब रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव करना पड़ेगा, इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा. तो हमारा आंसर होगा वेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 2000 केल्विन देन डेल्टा जी इज नेगेटिव, देयरफॉर आंसर इज ग्रेटर देन 2000. ओके देन एक लास्ट क्वेश्चन यहां से देख लेते हैं एंड देन हम लोग इस चैप्टर को सम करते हैं. या दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2d. यहां पे इंटरनल एनर्जी डेल्टा u दिया हुआ है और दैट इज योर एंट्रोपी डेल्टा s दिया हुआ है. टेम्परेचर कैसे पता चला, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड कंडीशन बोला हुआ है, नॉट लगाया हुआ है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर. तो ये क्वेश्चन में दिया नहीं है पर आपको खुद समझना होगा कि टेम्परेचर इतना है बिकॉज ये स्टैंडर्ड कंडीशन है. सो हमें डेल्टा जी कैलकुलेट करना है और प्रिडिक्ट करना है कि रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस. बहुत आसान है, बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको. लेकिन डेल्टा एच कहाँ दिया हुआ है आपको, तो डेल्टा यू दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहला काम होगा डेल्टा एच कैलकुलेट करना. तो पहले हमें पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन यू हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, डेल्टा एन यहाँ से निकल जाएगा, प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 3 है, सो -1, देखो -1, एंड देन सब्स्टिट्यूट ऑफ द वैल्यू यू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच. ठीक है, सो इस फॉर्मूला से हमें मिल गया डेल्टा एच का वैल्यू, यहाँ पुट करो, डेल्टा एस दिया हुआ है पुट करो, यू विल गेट द आंसर. टी का वैल्यू 298 पुट करो, ये आ रहा है पॉजिटिव और डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, नो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. ये क्वेश्चन एक और है यहाँ पे इस फॉर्मूला से, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.30 आर टी लॉग के. यहाँ पर के का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है, आर आप किस में बैठाओगे आपको पता है, किलो जूल पर मोल में. सब्स्टिट्यूट करोगे इस फॉर्मूला में, आंसर आ जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. If you face any problem, please let me know. Okay? Thank you very much.